जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज की महा रिवीजन की ये चौथी वीडियो है। चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, चैनल पर नए आए हैं आप, और अगर जो मैंने 1 से 3 तक की जो वीडियोज़ मैंने महारिवीजन की डाली है वो नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप आसानी से आप देख सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। AIR का पूर्ण रूप है, देखिए ये वीडियो पूर्णतः पूर्ण रूप वाले होंगे, फुल फॉर्म्स वाले होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे फुल फॉर्म्स आप देख लीजिएगा। पहला है AIR का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है, तो AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। क्या होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है AIR का। ठीक है, दूसरा फुल फॉर्म्स है एससी का फुल फॉर्म या एससी का पूर्ण रूप तो सुप्रीम कोर्ट। तीसरा फुल फॉर्म्स है एचसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एससी का हाई कोर्ट होता है। चौथा पीसी, तो पीसी का फुल फॉर्म प्रिवी काउंसिल होता है। पांचवा का फुल फॉर्म क्या होगा तो पांचवा है एससीसी, तो एससीसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस। सिक्स है आपके सामने आईसीजे का पूर्ण रूप क्या होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। सेवन नंबर आई जे आई एल का पूर्ण रूप क्या होगा तो आई फॉर इंटरनेशनल, जे फॉर जनरल ऑफ, आई फॉर इनोवेशन एंड लर्निंग। एट नंबर एल एल टी का पूर्ण रूप लैंग्वेज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। नाइन नंबर FLR का पूर्ण रूप क्या होगा तो फीमेल लीड रिलेशनशिप। टेन नंबर IJLT का पूर्ण रूप क्या होगा इंडियन जनरल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी। 11 नंबर CBI का पूर्ण रूप क्या होगा तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 12 नंबर ICJ का पूर्ण रूप क्या होगा तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स। 13 नंबर FC, ये भी पेपर में पूछा जाता है अधिकतर FC, तो FC का पूर्ण रूप क्या होगा तो फाइनेंस कमीशन। 14 नंबर आपके सामने है JILI का पूर्ण रूप क्या होगा तो जनरल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। 15 नंबर आपके सामने SCR का पूर्ण रूप क्या होगा तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। 16 नंबर NHRC, तो NHRC का पूर्ण रूप क्या होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, याद कर लीजिएगा, सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में सभी याद कर लीजिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पूर्ण रूप। 17 नंबर है QED,
तो क्यू ई डी का पूर्ण रूप क्या होगा, तो क्वेड इराट डिमोन्स्ट्रेशन। 18 नंबर, बी सी आई का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये भी शायद आप लोग जानते होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 19 नंबर, यू एन जी ए, तो यू एन जी ए का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 20 नंबर, एन जी टी, तो एन जी टी का पूर्ण रूप क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 21 नंबर आपके सामने है एम टी पी ए, तो एम टी पी ए का पूर्ण रूप क्या होगा, तो मॉरिटियस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी। 22 नंबर है आपके सामने सी आर एल जे का पूर्ण रूप, तो सी आर एल जे का पूर्ण रूप है क्रिमिनल लॉ जर्नल। 23 नंबर आपके सामने है यूपीएससी, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 24 नंबर आपके सामने है आई ए, आई ए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर, तो आई ए का पूर्ण रूप होता है इंडियन अपील्स। 1 के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।